अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे बहुत सारे नौजवान नहीं बल्कि मुख्तसर से नौजवानों को मिला, और ये वो नौजवान हैं जो सियासत से दूर और सोशल डेवलपमेंट के काम के लिए, जब मैं देखता हूँ इन्हें, कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, कोई एमफिल का स्टूडेंट है, बट इनके दिल के अंदर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने का मामला है। जब मैं देखता हूँ इनके सीईओ हामिद सईद साहब को, तो महसूस होता है कि अब पाकिस्तान में वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इसी तरीके से कि जब मैं इनके सीईओ को देखता हूँ माजिद कादरी साहब, तो वो भी इसी तरीके से उनकी आंखों में जो चमक है, मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से वो इन चीज़ों में बड़े सीरियस होके ख़ुद को इन्वॉल्व किया हुआ है कि कैसे हम इस मुल्क को तरक्की दे सकती हैं। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो जो इनके यंग क्रिएटर हैं इश्तियाक साहब जो हैं, वो भी इसी तरीके से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेके ख़ुद से, और मैं देख रहा था कि ये मुख्तलिफ़ जब रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो रही होती हैं तो ये मुसलसल खड़े हुए हैं, मुसलसल चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये चीज़ें देख के एहसास होता है कि वाकई ये लोग जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ मीडिया मैनेजर अरफा ने को मैंने कहीं एक स्कूल में ऑब्ज़र्व किया था, वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने काम किया और जिस तरीके से चीज़ें जो है बच्चों को समझा रही थी, तो वहाँ पे एहसास हुआ कि ये बच्चों के साथ इनका रिश्ता जो है वो उस्ताद और बच्चे वाला नहीं है, इनका उससे बढ़ के कुछ रिश्ता है वहाँ पे बच्चों के साथ। और उसी रिश्ते को वो कहते हैं ना कि इंसान कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ मुल्क के लिए करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मैंने देखी जो अरफा रशीद अरबी जो के प्रोग्राम की एंकर भी हैं उनके अंदर पाई गई। माशाल्लाह ये सारे का सारा ग्रुप, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इनके हाथों से बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और नई मंजिलें तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।